सिद्धार्थ शुक्ला भाई बात करते हुए दिखे हमारे खेसारी लाल यादव से। एक वीडियो खेसारी लाल यादव का देखा गया था घर में कि खेसारी लाल यादव आरती से कहते नजर आ रहे हैं कि बाबा, यानी कि खेसारी लाल यादव उन्हें बाबा बोल रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, कि बाबा को मैंने कितनी बार हाय हेलो करने की कोशिश की लेकिन बाबा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इस बात पे हामी भरती हुई आरती नज़र आ रही हैं कि जी हाँ, मैंने ये बात कई बार देखी है और माँ कसम मैंने ये सभी को बोला है कि खेसारी बंदा बहुत अच्छा है, वो बड़े ही नेक दिल का है, संस्कारी है, और तो और ये सब बातें तो ठीक थी। लेकिन अब आज का जो एपिसोड देखेंगे जहां देवोलीना और शेफाली दोनों को बिग बॉस ने एक टास्क दिया है, दोनों चोर बनी हैं, घर के सभी सदस्यों का सामान चुरा के ट्रंक बॉक्स में डालेंगी और फिर इससे बचने के लिए घर वाले अपना सामान खुद चुरा छुपा कर रख रहे हैं कि कहीं देवोलीना और शेफाली के हाथ लग न जाए उनका सामान। इसमें सारे घर वाले हैं और अब अपने घर के सामानों की रक्षा करने का जिम्मा सिद्धार्थ शुक्ला ने खेसारी लाल यादव और विशाल सिंह पे दिया है। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा है या हम आपको ध्यान दिलाएं? याद है आपको वो टनल वाला टास्क जिसमें खेसारी लाल यादव ने इतनी ताकत दिखाई थी कि असीम चारों खाने चित हो गए थे लेकिन बाहर नहीं आ पाए, यानी अपने फिजिक की इतनी ताकत दिखाई थी। तो भाई खेसारी लाल यादव की इस बात को सभी जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की फिजिक इतनी कद काठी इतनी मजबूत है कि उन्हें हिला पाना उस जगह से नामुमकिन है। अब शेफाली और देवोलीना अगर आती भी हैं घर में चोरी करने के लिए तो दरवाजे पे अगर खेसारी और विशाल सिंह जैसे मुस्टंडे खड़े रहेंगे तो वो तो एक भी सामान नहीं चुरा पाएंगे। साथ ही साथ ये सारा इंडक्शन उन्हें देते हैं सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला खेसारी को ये कहते नजर आते हैं कि तुम दरवाजे पे खड़े रहना, अगर कोई यहाँ से सामान लेकर भी जाए तो उसे छीन लेना, लेकिन लेके मत जाने देना, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं जानते हैं टनल वाला टास्क अगर उनकी विरोधी टीम ने जीता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खेसारी की बदौलत जीता है। तो इसलिए इस तरह के चीज़ों को रोकने के लिए खेसारी सबसे मजबूत बंदे हैं और खेसारी लाल यादव के सामने से कोई भी सामान इस तरह से चुरा के लेके तो नहीं जा सकता। इसलिए खेसारी लाल यादव और सिद्धार्थ शुक्ला की यहाँ बात हुई थी। और आपको बता दें कि आज के एपिसोड में आपको सिद्धार्थ शुक्ला और खेसारी लाल यादव की ट्यूनिंग भी दिखेगी, जहां खेसारी लाल यादव से मजाक करते नजर आएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। खेसारी लाल यादव ये सब कुछ देखते हैं, बौचक्के हो जाते हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला उनसे चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ये वही सिद्धार्थ शुक्ला हैं जो खेसारी लाल यादव के बुलाने पर भी उन्हें नहीं देखते थे। वैसे हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि खेसारी लाल यादव की अहमियत सिद्धार्थ शुक्ला समझेंगे जब सिद्धार्थ शुक्ला के सामने खेसारी नॉमिनेट होंगे और खेसारी की जनता यानी कि खेसारी की जो फैन फॉलोइंग है उन्हें बचा लेगी, तो घर के सभी सदस्य समझ जाएंगे कि खेसारी भले ही बोलते नहीं हैं लेकिन खेसारी का दमखम क्या है। वैसे अब घर के काफ़ी सदस्य समझ चुके हैं कि खेसारी उनके लिए एक वीक प्लेयर तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं और उन्हें उनसे किस तरह निपटना है ये घर वाले अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ही रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।